करोड़ों मध्य प्रदेश कुश्ती संघ को मैं बहुत बधाई देता हूँ। कुश्ती के महाकुंभ का है आयोजन किया। कुश्ती हमारा खेल है और आज इंदौर में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, क्रिकेट के ग्लैमर से कम अब कुश्ती का ग्लैमर नहीं है। अपने शुद्ध देसी खांटी खेल को आगे बढ़ाने के जो प्रयास कुश्ती महासंघ ने, ओलंपिक संघ ने और सभी सहयोगियों ने किए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं ये वचन भी देता हूँ, सुशील कुमार जी यहाँ बैठे, जो कुश्ती अकादमी हमने मध्य प्रदेश में बनाई उसके ये गुरु हैं, प्रशिक्षक हैं, मध्य प्रदेश में भी कुश्ती आगे बढ़े इसके लिए हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। आज बहन साक्षी मलिक जी भी यहाँ हैं, ओलंपिक में पदक जीत के आई तो 50 लाख रुपए आपके ड्यू है, आपको भोपाल आके सम्मान भी स्वीकार करना है, पुरस्कार भी लेना है। हमारे ऐसे खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक प्रयास है सब मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। कुश्ती अकादमी हमने बनाई ही है, इस आयोजन में भी हर संभव सहयोग प्रदेश की सरकार करेगी और हमारे ख्यातिनाम खिलाड़ियों को, शासकीय सेवा से लेके और जो सुविधाएं जुटानी है उसका प्रबंध भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इसमें दो खिलाड़ी मध्य प्रदेश के भी, रवि और रानी राणा, उनने भी पदक जीते हैं, उनको भी 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि से सम्मानित किया जाएगा। मैं आयोजकों को, मोहन जी को, उनकी टीम को, पप्पू यादव जी भी यहाँ आए हुए हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, रमेश जी को और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ इतने अच्छे आयोजन के। हाँ, मैंने कहा है कि जो ख्यातिनाम खिलाड़ी एक स्तर के हैं उनको शासकीय सेवा प्रदान की जाए। इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए ये गौरवशाली क्षण है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये कॉमनवेल्थ गेम के लिए कुश्ती टीम का चयन हो रहा है और महिला और पुरुष दोनों की टीम के लिए ये चयन प्रतियोगिता हो रही है। लगभग 1000 पहलवान अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने अभी 2-3 जोड़ देखी है, अत्यधिक प्रशंसनीय और उत्कृष्ट कलात्मक शैली का प्रदर्शन किया है उन्होंने। दुनिया में चूँकि कुश्ती भारतीय खेल है इसलिए इसको ऊंचाइयों पर ले जा करके दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित हो, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इस प्रकार के आयोजन की महती आवश्यकता है। आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय मोगे जी और मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के बाकी सब पदाधिकारियों ने ये अनूठा आयोजन इंदौर में, लंबे समय बाद मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भी सन 65-66 से जोर पानी करता रहा हूँ, अखाड़े में रियाज पानी भी करता रहा हूँ, दंगल भले ही नहीं लड़ा पर कुश्ती के प्रति रुचि और हमेशा अखाड़े में जाता रहा हूँ। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था उस विद्यालय में अखाड़ा और मलखम आदि सब सुविधाएं थी, तब से ही इसके प्रति रुचि है। हम सब देशवासियों की रुचि कबड्डी के प्रति, कुश्ती के प्रति होना चाहिए क्योंकि ये शुद्ध रूप से भारतीय खेल है और ये खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। इसके कारण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, अनुशासन आता है और इस प्रकार के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए हम सबको सहभागी बनना चाहिए। मध्य प्रदेश कुश्ती संघ ने यह आयोजन किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बड़ा उत्साहजनक वातावरण है। आगे भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं इंदौर में, मध्य प्रदेश में और देश भर में होती रहे। निश्चित रूप से जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और उत्कृष्ट कुश्ती देखने को मिलती है तो कुश्ती के प्रति सद्भावना बढ़ती है और प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी
कुश्ती खेलने के लिए अखाड़े में जाएं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन से वातावरण बनता है, जागरूकता आती है और लोगों का रुझान इस खेल के प्रति बढ़ेगा। और जब कुश्ती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा तो पहलवान तैयार होंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, देशों दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित होगा। देखो, उस विषय पर मैं यहाँ कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पद्मावती फिल्म को लेकर के सारे देश में आक्रोश है। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ये जो सीन दृश्य बनाए जाते हैं, सेंसर बोर्ड को उस पर गंभीरता से लेना चाहिए और अगर आपत्तिजनक सीन है तो उसको उसमें से हटाने की कार्रवाई करना चाहिए। वैसे सरकार के संज्ञान में ये सब बातें हैं, पर सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का मामला है। मैं उम्मीद करता हूँ सेंसर बोर्ड आपत्तिजनक जो जो बातें उसमें है उसको ठीक करने का काम करेगी। मुझे इस संबंध में जो कहना चाहिए वो कह दिया। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, अगर इसमें आपत्तिजनक बातें हैं तो उनको ठीक करने की जरूरत है। मुझे उस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मुझे उस संबंध में कुछ कहना भी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है तो मुझे कुछ कहना भी नहीं है। देखो, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए और उत्कृष्ट स्टाइल की कुश्ती में पारंगतता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कुश्ती संघ इस प्रकार के आयोजन करेगा। देखो, निश्चित रूप से जब जागरूकता आती है तो उपलब्धियां हासिल होती है और मोहन यादव जी इस बात को भलीभांति जानते हैं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कुछ उपलब्धियां हासिल होगी। मोहन यादव जी को इस प्रकार के अच्छे कामों में हमारा हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। देखो, जब वातावरण अब बनेगा तो जो जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की ओर भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। और मुझे विश्वास है कि मोहन यादव जी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में हम आवश्यकताओं की पूर्ति में सफलता प्राप्त करेंगे।